यहाँ पे जिनके पास में स्मार्टफोन है सब फोटो क्लिक करने, दो दो बॉयलर है और आरओ प्लांट भी है। आरओ प्लांट भी है। कैसा कंफर्टेबल फील हो रहा है? पत्थर मारा गया है, बस इसे टच करना है भाई को। यार हम लोग बॉर्डर तक पहुंचा देंगे, चाइना बॉर्डर पे खड़ा है, खाना पहुंचा देंगे क्या? हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के? सो आज हम लोग की जो जर्नी होने वाली है बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 02501 अगरतला तेजस राजधानी, जो कि वीक में सिर्फ एक दिन मंडे को अगरतला से शाम 7:25 में निकलती है और आपको तीसरे दिन सुबह 10:50 में ANVT मतलब आनंद विहार टर्मिनल पहुंचाती है। सो तो आज हम लोग इस ट्रेन से लगभग 39 घंटा का सफर करने वाले हैं और 39 घंटे में हम लोग कवर करेंगे 2423 किलोमीटर। तो आज की जर्नी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज से ट्रेन अगरतला राजधानी चलने वाली है तेजस स्लीपर स्मार्ट कोच के साथ। आप लोग भी एक्साइटेड होंगे अंदर कोच का इंटीरियर देखने के लिए। बस थोड़ी देर और वेट कीजिए, मैं आपको पूरा इंटीरियर दिखाऊंगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने कोच में और आज हम लोग जर्नी कर रहे हैं सेकंड एसी कोच में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड एसी का इंटीरियर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा ये बर्थ है 52 साइड अपर, और देखिए ये रहा नीचे डस्टबिन, बोतल होल्डर, चार्जिंग सॉकेट, रीडिंग लाइट हर सीट पे दिया गया है, सामने मिरर, यहाँ भी चार्जिंग सॉकेट है, और इधर साइड लोअर, साइड अपर, फायर अलार्म, एयर विक हर कोच में दिया गया है, और ये बोतल होल्डर देखिए। अगर मैं सीट की क्वालिटी की बात करूँ ना, तो इसमें यूज किया गया है PO फोम, जो कि आपको पूरी जर्नी कंफर्टेबल फील कराने वाला है। बहुत ही कंफर्टेबल है, मैं बैठ के देखा हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल है। हर कोच में आपको इस तरह का डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें अपकमिंग स्टेशन के बारे में बताया जाएगा, और सामने आप देख सकते हैं वॉशरूम ऑक्युपेंसी इंडिकेटर। साथ ही हर कोच के अंदर CCTV कैमरा मिलेगा, कोच के अंदर भी और कोच के बाहर भी। ये देखिए लो जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं अगरतला तेजस राजधानी के पेंट्री कोच में, और जैसे ही आप पेंट्री कोच में आते हैं तो देखिए अभी फ़िलहाल आपको यहाँ सैनिटाइज़र, आपको पता है अभी कोरोना काल चल रहा है तो सैनिटाइज़र, फेस शील्ड, मास्क वगैरह मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो सर्व किया जाएगा, ये ब्रेकफास्ट लंच वगैरह ये पैक फूड आपको अभी फ़िलहाल मिलेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये फ्रिज है, फ्रीजर है, और दो दो बॉयलर है, और आरओ प्लांट भी है, आरओ प्लांट भी है, अगर आपको चाहिए आरओ वाटर तो आपको आरओ वाटर भी मिल जाएगा। डस्टबिन वगैरह प्रॉपर रखा गया है पेंट्री में, और पेंट्री अभी बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल अलग है दूसरे ट्रेन के अकॉर्डिंग, मुझे ये बिल्कुल अलग लगा। सो गाइस, तो अभी ट्रेन कुछ देर में यहाँ से निकलने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ ऑटोमेटिक डोर लॉक है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग छोड़ने आए और अंदर ही रह जाए, इस बात का ध्यान रखिए। कुछ पैसेंजर को अभी हमने उतारा है जो छोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि ये ट्रेन पहली बार इधर चल रही है ना, तो लोगों को पता नहीं है, उतना आइडिया नहीं होता, ऐसा ना हो कि आप किसी को छोड़ने आए और अंदर ही बैठे रह जाए और डोर लॉक हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको। तो ट्रेन अब निकलेगी यहाँ से, तो मैं आपको दिखाऊंगा डिपार्चर। सुबह तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम, और वॉशरूम में जाने से पहले आप देख सकते हैं सामने मिरर, ये बेसिन, सामने डस्टबिन, और ये वाटर डिस्पेंसर, सोप होल्डर, और इधर भी डस्टबिन है, एक्सटिंग्विशर है। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, दूसरी ट्रेन में ये डस्टबिन को उठाने के लिए आपको प्लेट को ऐसे हाथ से उठाना पड़ता था, लेकिन इसमें एक चीज़ दिया गया है यहाँ पर ऐसे करके आप उठा सकते हैं, इससे कचरा आपके हाथ में नहीं लगेगा। और CCTV कैमरा है बाहर भी और कोच के अंदर भी, इधर वेस्टर्न स्टाइल, इधर इंडियन स्टाइल। तो चलिए मैं आपको वॉशरूम के अंदर दिखाता हूँ। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं वॉशरूम में, और ये वॉशरूम है इंडियन स्टाइल, और सामने आप देख सकते हैं मिरर, वाटर डिस्पेंसर, लिक्विड सोप, बेबी सीटर, और ये बायो वैक्यूम टॉयलेट है, और यहाँ एयर विक दिया गया है। और एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वॉशरूम यूज करते हैं ना, फ्लश बटन को जरूर दबाएं। मैं देख रहा हूँ अभी ट्रेन निकली ही नहीं, एक भाई साहब आए थे लेकिन फ्लश दबाए नहीं, तो भाई फ्लश को जरूर दबाएं। तो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट अम्बासा, जिसका स्टेशन कोड है ABSA, और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 10 मिनट डिले। जो अम्बासा जो है ये पड़ता है त्रिपुरा में, और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 15 ट्रेन आकर रुकती थी, और अभी फिलहाल सिर्फ 9 ट्रेन आकर रुकती है। और ये छोटा रेलवे स्टेशन, यहाँ बस 3 प्लेटफॉर्म है,
चलिए फटाफट चलते हैं अंदर, क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट है और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जहां भी ट्रेन 2 मिनट के लिए रुके ऑटोमेटिक डोर है ये, तो बाहर ना निकले। चलिए अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट एसी कोच में और उसका मैं इंटीरियर दिखाता हूँ। तो ये रहा फर्स्ट एसी का कोच। तो अब हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट एसी के केबिन में। जैसे ही आप केबिन के अंदर आते हैं तो देखिए सामने आपको मिरर दिखेगा, ऊपर ग्रिल है, ये चार्जिंग सॉकेट और यहाँ ये टेबल दिया गया ब्रेकफास्ट डिनर लंच वगैरह करने के लिए, और बोतल होल्डर वहाँ आपको दिख रहा होगा। और यहाँ देखिए आप PAI सिस्टम है यहाँ पे, मतलब यात्री सूचना। तो अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ सीट क्वालिटी की, तो मैंने पहले ही आपको बताया था PO फोम इसमें यूज किया गया, जो कि आपको पूरी जर्नी कंफर्टेबल फील कराने वाला है। थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरे ट्रेन में जो सीट में यूज किया जाता है ना कुशन, उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ एक चीज़ तो मैं मिस ही कर गया, ये रहा विंडो कवर। तो क्या क्या अवेलेबल है अभी डिनर में? राजमा राइस है, छोले राइस है, कढ़ी राइस है, दाल मखनी है, पनीर राइस है। अच्छा राजमा राइस, छोले राइस। तो ये राजमा राइस का प्राइस कितना? 150 का पैक है पूरा। हल्दीराम का ठीक है। तो एक 52 नंबर सीट है जी। इस पे एक मुझे चाहिए राजमा राइस। ठीक है दो मुझे दीजिएगा। सो गाइस तो अभी रात के बज रहे हैं 8:45 और हमने ऑर्डर किया था डिनर में राजमा चावल, ये मुझे पड़ा 150 का। ये रहा राजमा और ये रहा चावल। टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं टेस्ट कैसा है। हल्दीराम का है ये, हल्दीराम का 150 का। सो हमने निकाल लिया ये राजमा चावल, बिल्कुल गरम गरम है। और भाई 150 के हिसाब से क्वांटिटी सफिशियंट नहीं है, क्वालिटी है लेकिन क्वांटिटी नहीं है। लेकिन आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तो पैंट्री खाना होगा। आप देखिए कब से पैंट्री को चालू होता है, नहीं तो तब तक यही खा के आपको जर्नी करना होगा। तो आज की जर्नी में ये हमारे को पैसेंजर हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? आशीष कुमार जमाती। आप कहाँ से हैं? हम उदयपुर से। उदयपुर त्रिपुरा से। अच्छा ये बताइए ये सीट का क्वालिटी कैसा, कम्फर्टेबल फील हो रहा है? कम्फर्टेबल फील हो रहा है। और ट्रेन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ट्रेन के बारे में तो पहले से ट्रेन देखा था, उससे ज़्यादा थोड़ा। पहली बार तेजस देखे हैं आप? तेजस पहली बार। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है। सो गाइस तो अभी रात के बज रहे हैं 9:15, तो सोते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं सुबह में। 39 घंटा का ये सफ़र होने वाला है, तो ब्लॉग भी बड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि ब्लॉग छोटा होने वाला है। तो मिलते हैं सुबह में, गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 6th हॉल्ट गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GHY। और यहाँ इस ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 10 मिनट बिफोर। गुवाहाटी जो है ये पड़ता है आसाम में। अगर मैं इस स्टेशन के बारे में बात करूँ तो ये स्टेशन इंडिया का पहला फुल्ली सोलर ऑपरेटेड रेलवे स्टेशन है, और कोविड से पहले यहाँ रोज़ाना 60 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फ़िलहाल 48 ट्रेन आकर रुकती है। अगर मैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 7 प्लेटफॉर्म है, और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ भाई। पहली बार आने का मौका मिला तो ऐसा नहीं कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा फिर। तो गाइस यहाँ पे अपने ट्रेन में पानी फिल किया जा रहा है, और चलिए 15 मिनट का यहाँ हॉल्ट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ लोकोमोटिव, कौन से लोकोमोटिव के साथ ये ट्रेन फिलहाल अभी चल रही है। तो ये रहा लोकोमोटिव WDP-4D सिलीगुड़ी का। इसी लोकोमोटिव के साथ आज अपनी ये तेजस राजधानी, अगरतला तेजस राजधानी चल रही है। कॉफ़ी है दादा? हाँ कॉफ़ी है। हाँ रुकेगा अभी 23-15 मिनट। हाँ वो तो है। कितने का? 35 का कहा है, MRP लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक, एक केक दे दीजिए। कितना हुआ टोटल? 45 ठीक। गाइस ऐसा नहीं है कि आपको टी हो, कॉफ़ी हो, नमकीन हो, बिस्किट हो ट्रेन के अंदर नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा, लेकिन मैं सोचा जब इतना देर ट्रेन यहाँ रुकेगी तो बाहर से ही क्यों ना कॉफ़ी पी लिया जाए।
कॉफ़ी के टेस्ट की बात करें तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा। यात्रियों से निवेदन है कि वे गाड़ी की गतिशील अवस्था में कृपया दरवाजों से दूर रहें। ये गाड़ी पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम से परिपूर्ण है। जैसे ही गाड़ी किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाएगी, सभी गेट गाड़ी के सभी डोर अपने आप ही खुल जाएंगे एवं कुछ समय अंतराल के बाद वे स्वयं ही अपने आप बंद हो जाएंगे। अतः यात्रियों से निवेदन है कि वे इस निश्चित समय अंतराल के अंदर ही अपना सारा कार्य पूर्ण रूप से कर लें, अन्यथा अपने आप ही गाड़ी के गेट बंद हो जाएंगे एवं गाड़ी की गतिशील अवस्था में चलते हुए में वे दरवाजे से छेड़खानी ना करें। इस प्रकार भारतीय रेल आप सभी यात्रियों की सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करता है। धन्यवाद। मैगी चाय कॉफी पोहा होगा जी सर जी, और चाय चाय बाग बकरी चाय कॉफी बाग बकरी चाय दीजिए आप और पोहा दीजिए। चाय दीजिए। अभी आपको ब्रेकफास्ट में इस ट्रेन में मिलेगा उपमा पोहा मैगी। उपमा पोहा पड़ेगा 50 का, मैगी पड़ेगा 55 का। तो हमने लिया है ये पोहा 50 का, और साथ में आपने देखा ही होगा ये बाघ बकरी चाय 15 का। पोहा के साथ ना चाय का आनंद अलग ही लेवल का होता है। भाई के लैंग्वेज में तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का नौमा हॉल्ट न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NJP। और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 10 मिनट बिफोर। और ये जो स्टेशन है ना, ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, मतलब तेजस राजधानी की एंट्री वेस्ट बंगाल में हो चुकी है। अगर मैं इस स्टेशन की बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1960, और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 132 ट्रेन आकर रुकती थी, और अभी फिलहाल सिर्फ 65 ट्रेन आकर रुकती है। और ये रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू द ट्रेन फ्रीक्वेंसी। अगर मैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 8 प्लेटफॉर्म है, और आज मुझे पहली बार न्यू जलपाईगुड़ी आने का मौका मिला है। और हाँ, आज बसंत पंचमी है, तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामना। माँ सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग खुश रहे और जो भी आपकी मनोकामना है वो माता रानी पूरा करे। तो भाई देखो, छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा भाई है हम लोग इसको, छोटा भाई शुरू से मान रहे हैं, और है उम्र में भी छोटा है तब भी छोटा मेरे, तो छोटा भाई मानते हैं। इसने बोला ना कि भैया खाना में, मैंने बोला खाना ये चढ़ा है वहाँ से अगरतला से, तो ये बोला, मैं बोला खाना कुछ मिल रहा है, तो भैया खाना वही मिल रहा है वो पैक्ड फूड वो रेडी टू ईट वाला। तो हमें इसका मन, तो बोला भैया कुछ ले लीजिए बिरयानी उरयानी, तो मैंने कहा चलो बिरयानी ले लेते हैं। फिर बोला कि नहीं भैया आज सरस्वती पूजा है तो कुछ वेज ले लीजिए, तो मैंने कहा भेज पराठा। तो आलू पराठा कैसे, आलू पराठा बताओ। बहुत बढ़िया, चलो यार बहुत मैंने रिव्यू किया फूड का। मोनू भाई, अच्छा भाई मैं भूल गया, मैं अपने मोनू भाई के, चलो मोनू भाई भी रिव्यू करते। मोनू भाई कैसा लग रहा है बताओ, कैसा है मोनू? बढ़िया बढ़िया, आलू पराठा बढ़िया, छोला भी सही गरम लग रहा है, पराठा गरम है। कितने में दिया था ये? तुमको पड़ा था 120 में, मतलब ये इसमें तूने क्या बोलते हैं, ये पंजाबी का है फेमस, वहाँ का पॉल है ना, जैसे आप लोग सिलीगुड़ी के हैं जानते होंगे, एयर व्यू होटल पॉल होटल, वहाँ से मैंने ये पराठा पैक करवाया था, और पैकिंग भी अच्छा से करके दिया है। आप देखिए बाकी मोनू भाई को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, बढ़िया है, क्योंकि मैं जब भी रहता हूँ ना यार वहाँ पे, आप लोग जानते हो एयर व्यू मोड़ के पास, तो वहीं नाश्ता करता हूँ। सही है, सही है, मज़ा आ रहा है।
धन्यवाद लाने के लिए। अरे वेलकम ब्रो, धन्यवाद नहीं छोटे भाई को यार, हम लोग बॉर्डर तक पहुंचा देंगे, चाइना बॉर्डर पे खड़ा है खाना पहुंचा देंगे क्या। और हाँ, सबसे पहले बड़े भाई के चैनल में वीडियो आएगा, छोटा भाई है ना, रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए ठीक है, खा के मिलते हैं आपसे। चल हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 10वां हॉल्ट कटिहार, जिसका स्टेशन कोड है KIR, और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 5 मिनट। और कटिहार जो है ना, ये पड़ता है अपने बिहार में। अगर मैं इस स्टेशन के बारे में बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1889 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था हाल ही फिलहाल 2017 में इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। अगर मैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 9 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ 92 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फिलहाल सिर्फ 52 ट्रेन आकर रुकती है। और यहाँ पे लोकोमोटिव को चेंज किया जाएगा डीजल से इलेक्ट्रिक में, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा लोकोमोटिव लगाया जा रहा है। तो गाइस, तो यहाँ से अपनी ट्रेन चलने वाली है गाजियाबाद का वैप 7 लोकोमोटिव के साथ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कपलिंग लोकोमोटिव आ चुका है। हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट बरौनी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BJU और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 10 मिनट डिले। और बरौनी जो है ये पड़ता है अपने बिहार में, और ट्रेन जैसे ही बरौनी आई, इससे पहले तक तो हर जगह बिफोर पहुँची और यहाँ 10 मिनट डिले हो गई। अगर मैं इस स्टेशन के बारे में बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1883 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 2002 में, और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 172 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फिलहाल 103 ट्रेन आकर रुकती है। अगर मैं नंबर प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 8 प्लेटफॉर्म है। अब देखते हैं खाने पीने का क्या सीन होता है रात में, क्योंकि भूख लग गया है भाई, आवाज़ नहीं निकल रहा है, मैं अंदर से खस खस के बोल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं खाने पीने का क्या सीन है। अंदर तो पैक्ड फूड मिल रहा है, बाहर देखते हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। कैसे प्लेट है? 10 का ले, 3 प्लेट। आए पपीता खाइए, पपीता खाइए, पपीता खाइए। आपके लिए भी लिए हैं? एक एक किलो, एक किलो, एक नहीं 3 लिए, एक आपके लिए, तुम दो ले लो, हम एक ही, हम नहीं खाएंगे, ठंडा ये ठंडा पीएंगे ना। अच्छा ठीक है, दो दे दीजिए, दो ठीक है, रखिए ना वहाँ, रखिए हम ले रहे हैं। पीयूष भाई आइए, पपीता पहले लीजिए आप, पपीता लीजिए, हम एक लिए हैं, एक आप लीजिए, हो गया, दो वहाँ रखिए, एक रहने दीजिए, हम पैसा दे रहे हैं। और गाइस आपको पता है कल ऋषि भाई का जन्मदिन है और कोल्ड ड्रिंक्स लाए हैं, अब आप ही बताइए एक कोल्ड ड्रिंक्स में कैसे पार्टी चलेगा भाई। कॉफी पियो यार, और मंगा लेते हैं, सूप मंगाए हैं और मंगा दिए, सूप पिलाए हैं अभी, कॉफी पिलाए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाए हैं, भाई जो मिल रहा है वही मंगाएंगे ना। और ये पपीता मेरे तरफ से आप, थैंक यू, गिफ्ट है, खाइए। थैंक यू भाई, पीयूष भाई आप दिए, हाँ चलिए ठीक है। 2004 का। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं पाटलिपुत्र और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुंचे हैं 20 मिनट बिफोर, मतलब ट्रेन हम लोग की यहाँ आधा घंटा रुकने वाली है। और मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे मैं ट्रेन से बाहर आया तो मेरे कोच का विंडो को तोड़ दिया गया है, बाहर से पत्थर मार के आ रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे कोच का, और भी दो कोच हैं उस पर भी पत्थर मारा गया है, तो ये कहाँ तक सही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अंदर में आफी के फैमिली के लोग जर्नी करते हैं ट्रेन में और आप उन्हीं को पत्थर मार रहे हैं, हो सकता है उनको चोट भी लग जाए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ट्रेन से या किसी भी चीज़ से तो विरोध करने का और भी तरीका है, लेकिन पत्थर मारना ये कहां तक सही है मुझे बताइए। मैं आपको दिखाता हूं। सो गाइस, तो ये देखिए, ये रहा मिरर हमारे कोच का,
और यहाँ पत्थर मारा गया है। बस इसे टच करना है, बस नीचे गिर जाएगा। टच नहीं किया, अंदर से तो पर्दा लगा हुआ है, इस वजह से उधर कुछ नहीं हुआ लोगों को, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कोच में, दो कोच में और किया गया है, और ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए और हम सभी के लिए जितने भी बिहार के लोग देख रहे हैं। और ये ऐसा कब हुआ जब बिहार में ट्रेन एंट्री की है, बहुत शर्म की बात है। ये बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आज, मैं क्या बताऊँ आप। देखिए यहाँ पर भी इसी साथ तोड़ा गया, आप देख रहे हैं मेन गेट का। ये यहाँ पे सभी लोग यही बोल रहे हैं कि बिहार से अगर ट्रेन गुजरेगी ना तो ट्रेनों का यही हाल होने वाला है। बहुत ख़राब लगता है बिहारी को लेकर, बहुत सारे बातें बोला जा रहा है स्टाफ के द्वारा, ये अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे ख़राब लग रहा है यार, करे कोई और भुगतना सबको पड़ रहा है, सुने कोई। अब बताइए आप ही, वहाँ पर अगर आपका फैमिली मेम्बर बैठा हुआ है वहाँ पर और कोई पत्थर मारे, क्या होगा? अगर कांच आँख में चला गया तो आँख तो उसका चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सही नहीं है बिल्कुल, मतलब बहुत अपसेट है हम आज। यहाँ पे लोग जो बात बना रहे हैं ना, इसलिए बिहार बदनाम है और कुछ नहीं, हम यही बोलेंगे। सो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 11 और कोच के लगभग सभी पैसेंजर सो चुके हैं, तो अब हम भी सोते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं सुबह में। अगला स्टेशन भी मुझे दिखाना था लेकिन अब मूड नहीं कर रहा है आगे दिखाने का। और रही बात डिनर की, तो पैक्ड फूड मिल रहा है हल्दीराम का, राजमा चावल हो, करी चावल हो, यही सब पैक्ड फूड मिल रहा है। हमने डिनर नहीं किया क्योंकि मूड सही नहीं है, तो डिनर क्या करें। मिलते हैं आपसे सुबह में। मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:45 और कुछ देर पहले हम लोग स्किप किए थे अभी अलीगढ़ जंक्शन, और यहाँ पे अभी हम लोग ले रहे हैं बटर स्कॉच। पीयूष भाई लाए हैं और सत्या भाई मिलिए, सत्या भाई से। ये कानपुर में आया ना, ये और कहीं चले थे, कानपुर में आए, ये लेज लेके आए हैं ये, और ये कुकीज़। तो यही चल रहा है ब्रेकफास्ट, और दिखाए क्या, सारा चीज़ तो दिखाई दिए। मिलते हैं आपसे अब बंद दरवाजे में, क्या दिखाओगे बंद दरवाजे में, क्या दिखाए, सही बात कर देंगे पीछे सब कुछ। मिलते हैं आपसे एनबीटी में। धन्यवाद। आ चुके हैं ANVT, इस ट्रेन का फाइनल डेस्टिनेशन, और ट्रेन हम लोग यहाँ पहुँचाई है 45 मिनट बिफोर। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस एवरेज रहा, जैसा हम सोचे थे वैसा नहीं रहा, एवरेज कह सकते हैं। वाशरूम का कंडीशन आपको बरौनी तक सही था, और यहाँ आते आते वाशरूम का कंडीशन हो या कोच की साफ़ सफाई, मतलब कोई देखने तक नहीं आया, गंदा पड़ा हुआ, कचरा पड़ा हुआ तो वैसे ही पड़ा हुआ। तो इस सर्विस से हम संतुष्ट नहीं है, कोच सर्विस से, अदरवाइज सही है, एवरेज सही है। खाना वाना अगर चालू हो जाता तो और अच्छा एक्सपीरियंस रहता। मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू, लेकिन उन लोगों से नहीं जो ये काम करते हैं, पत्थर फेंकते हैं।